हेलो दोस्तों, अनबॉक्सिंग के इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस बार हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सेल्फी स्टिक की, जो कि मैंने बाय की है ऑनलाइन से। तो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने इस सेल्फी स्टिक को यूज़ करके देखा और मुझे इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी और जितने की इसके दाम है तो पैसा वसूल है। तो चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बताता हूँ कि मैंने पहले इसे लिया कहाँ से वो देखते हैं। तो काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट से आप इसे बाय कर सकते हैं। मैंने इसे बाय किया है फ्लिपकार्ट से, तो आप इसे फ्लिपकार्ट पे जाके बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पर काफ़ी सारा रिसर्च किया कि कौन सी लें, तो इतने कम बजट में काफ़ी कुछ देखने के बाद मुझे ये सेल्फी स्टिक पसंद आई थी। और ये कितने की मैंने ली है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो हमने कहाँ से इसे लिया था वो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने फ्लिपकार्ट पे से लिया था। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 899 की ये यहाँ शो कर रहा है, पर मैंने इतने की नहीं बाय की है। मैं बता दूंगा कि हमने कितने की बाय की है। फिलहाल तो हमने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया और ये हमारे पास डिलीवर भी हो गया विद इन 2 डेज़ के अंदर अंदर ही हमें मिल चुका है। जी हाँ, ये देखिए, ये भाई साहब ई कार्ट लॉजिस्टिक के थ्रू ही हमें मिला है और ये भैया बहुत ही जल्दी मॉर्निंग में ही हमें यार को दे गए थे, तो इनका भी बहुत बहुत थैंक यू। अक्सर यही आते हैं हमारे घर पर ऑर्डर्स लेकर फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं इसे कट कर देता हूँ, हम इसे साइड से ही कट कर लेंगे, पूरा ओपन काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर से ही काट लेंगे तो वहीं से इसका बॉक्स ईजिली निकल आता है। तो बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ आया था, तो कोई डैमेज उमेज नहीं था इस प्रोडक्ट में। मैं बताता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली लिया कितने का है। तो देख सकते हैं आप, इसे 548 में मैंने इसे बाय किया था। आप भी इसे फ्लिपकार्ट पे जाके बाय कर सकते हैं। तो पहले मैं यूज़ कर रहा था सेल्फी स्टिक, वो मेरी खो गई थी, तो 200 रुपये वाली थी। तो इस बार मैंने सोचा थोड़ा अच्छा मंगाते हैं, तो ये मुझे ये यूनिक सा लगा था जब मैं देख रहा था। तो देखिए काफ़ी अच्छी है। इसकी जो वीथ है 425 से 1250 mm की है और वीट है 235 ग्राम का। आप इस पर अपना DSLR कैमरा भी रख सकते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया इसे बाहर और आप देख सकते हैं कि पैकिंग बहुत अच्छी है और ज़्यादा कुछ नहीं है, सेल्फी स्टिक है इसके साथ। अब मैं इसे अनरैप कर रहा हूँ और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। बेसिकली आपको 3 चीज़ें ही मिलेंगी। तो सबसे पहले हम अपनी स्टिक को बाहर निकाल लेते हैं। ये आ गई बाहर भाई, जैसा देखा था बिल्कुल वैसा ही है। और ये है इसका मैनुअल जो इसमें गाइड मिली हुई है, ये किसी काम की नहीं है। इसमें बस बता रखा है इसके रिमोट के बारे में। इसे ऐड करते हैं और ये देखिए इसमें बटन है, 3 बटन मिलते हैं एक क्लिक करने के लिए। और ये साथ में जो साइड में है ये ब्लूटूथ होगा, और ये जो है सेल्फी पिक्चर क्लिक करने के लिए, ये वाला जूम इन जूम आउट करने के लिए भी बटन दे रखा है। और काफ़ी अच्छी ग्रिप है इसकी, ये लूज़ नहीं है, निकल नहीं सकता, तो आप बेफिक्र होकर अपना यूज़ कर सकते हैं। ये जो साइड में दे रखा है ये ब्लूटूथ है अपने मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए। और पूरा जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा है, मतलब कि आप इसमें आराम से अपना कैमरा भी हैंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, और यहाँ ब्रांडिंग भी कर रखी है कंपनी ने। तो ओवरऑल तो देखें तो अच्छा था। और इसके अंदर एक मिलती है तीसरे नंबर पे गाइड के साथ ये डाटा केबल। अब ये डाटा केबल का यूज़ कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप जब इसे निकालेंगे तो साइड में आपको इसका पोर्ट मिल जाएगा इसे लगाने के लिए। आप इसे यहाँ से कनेक्ट करके इसे चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि इसमें सेल का कोई सिस्टम नहीं है, आपको इसे चार्ज करना होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे इसके लिए कि सेल चेंज करने का कोई स्यापा ही नहीं है। और ये चार्ज होने के बाद इसकी बत्ती ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, चार्जिंग के टाइम ब्राइट रहती है। अब हम इसको खोल कर इसकी विड्थ नापेंगे कि कितना लॉन्ग है। ऑफकोर्स पहले वाले 200 वाले मटेरियल से तो बहुत ही लंबी है, तो मैं इसे पूरा इस समय अब ओपन कर रहा हूँ। और इसका लॉकिंग भी बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है काफ़ी अच्छी हाइट देती है, मतलब कि आप दूर से भी व्यूज़ ले सकते हैं। और ये देखिए ग्रिप बहुत अच्छी है, हैंडल बहुत अच्छे हैं, पाइप से इसके अच्छे मटेरियल के लग रहे हैं। और मैंने अपना अभी यूज़ किया था तो वाकई मेरे को कोई परेशानी नहीं आई, मतलब बिल्कुल टाइट रहता है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हल्का सा लूज़ हो या लीकेज। और इसके पीछे ये बैक साइड में देख रहा है बहुत अच्छा है, आपके पास अगर ट्राईपॉड है आप ये उसमें भी फिट हो जाता है। तो ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा इस बजट में। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें हैंगिंग भी दे रखी है, जब यूज़ हो जाए तो आप इसे अपने घर में ईजिली घर के दरवाजे के पीछे कहीं भी टांग सकते हैं। तो काफ़ी कुछ इसमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया है और ईज़िली ये क्लोज़ भी हो जाता है। और बटन बहुत अच्छे हैं, इसके लॉक बहुत अच्छे हैं, साथ में मिरर पॉइंट भी दे रखा है ताकि आप सेल्फी यूज़ करें तो आपको फेस आइडेंटिफाई करने में ईजी रहता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक बाय बाय।